जवाब मिल गया, आज तो मुझे प्रूफ मिल गया। प्रूफ किस बात का? प्रूफ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा नेबर था प्रशांत, वो प्रूफ को प्रूफ बोलता था। प्रूफ इस बात का कि हॉलीवुड वाले न जाने कितने साल से आके बॉलीवुड से सीन्स तो कॉपी करते हैं, एक्टर्स की इमिटेशन करते हैं, वहां आके प्लॉट्स लेते हैं, स्टोरीज लेते हैं, फिल्म के आइडियाज लेते हैं, लेकिन आज तो मुझे इस बात का प्रूफ मिल गया है कि वो हमारे पोस्टर्स को भी नहीं छोड़ते। ये देखिए, ये है एक फिल्म जिसका नाम है आरजू, स्टारिंग माधुरी दीक्षित, अक्षय कुमार, सैफ अली खान। कितना अच्छा पोस्टर आरजू लिखा है यहाँ पे ये जेड का ये सर्कल मार रहा है और यहाँ पे ये है और यहाँ पे लड़का लड़की खड़े हैं। और ये देखिए स्टीवन स्पीलबर्ग साहब ने पूरी 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 की पूरी कॉपी की। ऑलवेज आज से 10 साल पहले आई थी, फिर भी इनको पोस्टर का कैंपेन कहाँ से मिल गया मुझे समझ में नहीं आता। तो ये हॉलीवुड वाले कब सुधरेंगे, स्टीवन स्पीलबर्ग साहब कब सुधरेंगे? तो स्टीवन स्पीलबर्ग साहब को गिल्टी करार देते हुए कैदी बना के यहाँ के जेल में लाने में क्या हर्ज है? दोस्तों आज हमारे चुराने में क्या हर्ज सेक्शन में आपको मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा जो आप भूल गए थे कि ऐसी पिक्चर एग्जिस्ट भी करती है। फिल्म का नाम था सत्ते पे सत्ता, द ईयर वाज 1982, डायरेक्टेड बाय डड्डू सिप्पी उर्फ राज एन सिप्पी को आप लोग जानते ही होंगे, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई उन्होंने, उनको शायद आपने देखा नहीं होगा। मैं आपको उनको डिस्क्राइब करता हूँ, लंबे लंबे साइड बर्न्स है मंजीत की तरह और काला चश्मा पहनते वो चाहे रात हो चाहे दिन हो, एंड इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। उन्होंने हॉलीवुड को बहुत सारे मौके दिए, बहुत सारे चांसेस दिए और हॉलीवुड ने वो चांसेस का पूरा फायदा उठाया। उनकी पहली फिल्म थी इनकार और अब उनकी ये जो बेस्ट फिल्म थी अब तक, अप टू डेट पर्सनल ओपिनियन फॉर डड्डू सिप्पी, उनकी बेस्ट फिल्म थी सत्ते पे सत्ता। ये हॉलीवुड वालों ने पूरी की पूरी कॉपी की, पूरा प्लॉट, सेवन ब्रदर्स वहाँ पे भी, सेवन ब्राइड्स वहाँ पे उन्होंने नाम रखा 1957 में, सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स डायरेक्टेड बाय स्टैनली डोनन। बहुत सारे सीक्वेंसेस पिक्चर में बहुत ही कॉमन थे लेकिन ये सीक्वेंस हाईलाइट था जिसमें अमिताभ बच्चन साहब गिटार बजाते हैं सत्ते पे सत्ता में और वहाँ पे वो बांध में डांस करते हैं। देखिए कैसे वो हॉलीवुड वालों ने आके फिर से कोरियोग्राफी की चोरियोग्राफी कर ली। देखिए रुपए का इनाम है जो कोई अल्फ्रेड हिचकॉक, हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक के खिलाफ सबूत लाके देगा कि अल्फ्रेड हिचकॉक साहब यहां के बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री से सीन्स चुराते थे, उनको 10,000 इनाम 10,000 मिलेगा। अल्फ्रेड हिचकॉक और इनाम 10,000, मेरे बोलने का मतलब है फिल्म का नाम है इनाम 10,000, स्टारिंग संजू बाबा एंड आई एम सच अ बिग एक्ट्रेस मीनाक्षी शिशाद्री, डायरेक्टेड बाई ज्योतिन गोयल। ये पिक्चर आई थी 1988 में और 1964 में आई थी, नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट। अब आप पूछेंगे भाई इनाम 10,000 और नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट का क्या संबंध है, आफ्टर ऑल दे आर इन द नॉर्थ एंड वी आर ओवर हियर इन द ईस्ट। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट का प्लॉट ऐसा कुछ था कि एक आदमी इज फ्रेम फॉर अ मर्डर विच ही डिडंट कमिट टू अनकवर सम काइंड ऑफ अ सीक्रेट प्लॉट। वो प्लॉट में हम नहीं जाते हैं, प्लॉट्स के भाव आजकल बहुत महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेम का सेम सब्जेक्ट ज्योतिन गोयल साहब ने बनाया और पता नहीं 20-25 साल पहले अल्फ्रेड हिचकॉक साहब ने बिना हिचकी मारे वो सीन को मार लिया। अब आप जनता जनार्दन चुराने के हर्जे, चुराने में के हर्जे सेक्शन को अच्छी तरह से देखिए और आप बोलिए हु इज बेटर,
James Stewart? No, it was not James Stewart. It was Cary Grant. No, it was Cary Grant, James Stewart. I think it was Cary Grant. Cary Grant sahab, ya to phir ke Sanju Dutt sahab, Jyotin Goyal sahab, Alfred Hitchcock sahab, ya phir ke Jyotin Goyal sahab. Aur yaad rakhiye, agar aap ye hame saboot de sakein ke Alfred Hitchcock sahab yahan pe aake churate the, one more proof agar aap humko denge, to hum aapko denge inaam 10,000. See, North by Northwest versus inaam 10,000. Chalo, jaldi se rassi khol do. Haan, haan, kholta hoon pehle muh to khol. Khol muh! Muh khol! जगह ठीक है फर्स्ट क्लास जैसे गाड़ी स्पीड पकड़ ले कूद जाना ओके अरे ये तो अपना दोस्त नहीं है ये सीन को आप लोग विजुलाइज कीजिए एक 8 साल का छोटा सा बियर्डेड बच्चा हॉलीवुड में थिएटर में बैठ के अकेला पिक्चर देख रहा ही इज इन ऑ ऑफ द मैग्निफिसेंट 70mm स्क्रीन एंड डिजिटल डॉल्बी सराउंड साउंड और बच्चा बोलता है कि मैं बड़ा होकर डायरेक्टर बनूंगा फिल्म्स बनाऊंगा अपने देश हिंदुस्तान में सो इंस्पायर्ड ही इज फ्रॉम हॉलीवुड बच्चा है पंकज पराशर जो बड़ा होकर दाढ़ी उनकी वैसी रहती है हाफ चड्डी और टी शर्ट उनका ऐसे रहता है और वो हॉलीवुड स्टाइल पिक्चरें बनाते हैं यहाँ पे और हॉलीवुड को एक मौका मिल जाता है कि पंकज पराशर साहब की पिक्चरें आके वो कॉपी करे सीन बाय सीन तो इस सेक्शन में हम आपको मिलाते हैं पंकज पराशर की एक ऐसी फिल्म जिसने हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों को चांस दिया स्पेशली एक ऐसी फिल्म जिसका नाम है बेवरली हिल्स कॉप और पंकज पराशर साहब की फिल्म कौन सी थी फिल्म का नाम था जलवा वेलकम टू चुराने में क्या हर्ज है 1987 में पंकज पराशर साहब ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था जलवा विद स्टार्ड नसीरुद्दीन शाह नसीरुद्दीन शाह साहब को एक कमबैक मिला था एज अ सक्सेसफुल कमर्शियल हीरो जो उन्होंने बॉडी भी बनाई थी अपनी जलवा एक बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की कॉमेडी स्टोरी है जिसमें दिखाया है कि एक ऑनेस्ट इंस्पेक्टर होता है वो फाइट अगेंस्ट ड्रग्स करता है और उसको हीरोइन मिल जाती है और गोवा में जाके शूट आउट्स करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडी पंचेस थे और हॉलीवुड वालों ने ये सब्जेक्ट को छोड़ा नहीं उनको मालूम था कि पंकज पराशर साहब हॉलीवुड के नंबर वन डायरेक्टर बन सकते हैं इसीलिए उनको पंकज पराशर साहब तो मिले नहीं लेकिन जलवा का स्क्रिप्ट मिल गया वहां पे उन्होंने मार्टिन ब्रेस साहब जिन्होंने बहुत बी ग्रेड फिल्में बनाई जैसे मिडनाइट ट्रांस स्टारिंग रॉबर्ट डी नीरो एंड चार्ल्स ग्रॉडन और सेंट ऑफ अ वुमन स्टारिंग एल पचिनो जिसके लिए एल पचिनो को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला ऐसी बी ग्रेड पिक्चर बनाने वाले मार्टिन ब्रेस साहब ने पंकज पराशर साहब का पूरा जलवा का सीन उठाया और डाला अपनी फिल्म जिसका नाम बेवरली हिल्स कॉप था होल्ड इट Hold it right there, fool. You're under arrest. Oh, see, तुम कहाँ से टपक गए इस वक्त? तुम मेरे लिए सिर्फ एक फरार मुजरिम हो कपिल मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत करो. Stop working on that lock. You're coming with us. Look, man, I'm gonna open up this door and I'm going inside. You wanna stop me? Shoot me. Oh, see, तुम मुझे गोली मारना चाहते हो तो मार लो. मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ. Really, Sarge, you can do what you want, but I'm going in with Axel. God damn it, Billy, this is really serious trouble. Oh no, वो तो अंदर भी जा चुका है. मैं जा रहा हूँ. Oh shit, मैं भी आता हूँ. Billy. I'm sorry, Sarge. I've got to. Wait a minute. अपनी पिस्तौल जरा फेंक दीजिए A
अब जलवा में एक खास सीन है, जब खाना इंस्पेक्टर्स खाते हैं तो उसके बाद दूसरी दिन शाह उनकी गाड़ी के टेल पाइप में केला डालते हैं, क्योंकि वो गोवा में थे इसलिए वो केले को केला हम नहीं बोलेंगे, बनाना बोलेंगे, बनाना भी नहीं, गोवा में थे ना, प्लांटिन्स, ही पुट सम प्लांटिन्स इन द टेल पाइप मैन, और वो प्लांटिन्स सेम का सेम प्लांटिन्स का सीन बेवली हिल्स कॉप में एडी मर्फी साहब केला डालते हैं। तो अब ये केले के सीन से इंस्पायर हुए थे मंसूर खान साहब और उन्होंने बनाई थी अकेले हम अकेले तुम, क्रेमर वर्सेस क्रेमर, लेकिन उसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। आप फिलहाल देखिए प्लांटिन्स का सीन। ये आपकी दो प्लेट श्रिम्प ट्रॉपिकाना। मुझे नहीं पता था डिपार्टमेंट वाले हमारा इतना ख्याल करते हैं, और वो भी निगरानी की ड्यूटी पर। ये किसने भेजा? कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द होटल। प्लेट्स अप सर, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द एक्सल फॉली। ये हम नहीं ले सकते, ड्यूटी पर हैं। Forget it, I'm not eating that. Take it back. राज एनसीपी यानी उर्फ डड्डू उर्फ मंजिल, बड़े साइडबर्न वाले परफेक्ट जेंटलमैन डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी पिक्चरें बनाई हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने हॉलीवुड की बहुत सारी पिक्चरों को मौके दिए, चांसेस दिए, अपॉर्चुनिटीज दिए कि आइए बड़े बड़े सीन्स कॉपी कीजिए, प्लॉट्स कॉपी कीजिए, कैरेक्टराइजेशन कॉपी कीजिए, यहाँ के पूरी की पूरी फिल्म कॉपी कीजिए। 1984 में उन्होंने बनाई एक फिल्म जिसका नाम था अंदर बाहर, और वहाँ पे पैरामाउंट पिक्चर्स वाले वॉल्टर हिल साहब ने सेम की सेम फिल्म बना दी 48 hours, 1982 में। दो साल का गैप कहां से है मुझे नहीं मालूम। अंदर बाहर फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत ही सिंपल है कि एक कॉप होता है, इंस्पेक्टर होता है, प्लेड बाय जैकी श्रॉफ, जो एक केस सॉल्व करना चाहता है क्योंकि उसके दोस्त का मर्डर हो गया है। अनदर कॉप प्लेड बाय ब्रदर प्रक्षित स्थानी, वो उनका खून हो जाता है और वो फ्यूजिटिव्स को चेस करते हैं, और वो उनको पकड़ने वाला सिर्फ एक ही आदमी है जो जेल में है, एक कॉन्विक्ट यानी अनिल कपूर। तो उसको 48 आवर्स यानी 48 घंटों के लिए वो बाहर निकालते हैं, अंदर से बाहर निकालते हैं, और वो दोनों फिर केस सॉल्व करते हैं। अब ये कि पूरा इतना सिंपल सा सब्जेक्ट पूरा का पूरा हॉलीवुड वालों ने मार लिया। अब अनिल कपूर की तो मैंने आपको बोली कास्टिंग हुई एज द कॉन्विक्ट, वहां पे उन्होंने एडी मर्फी को लिया जिनकी फर्स्ट फिल्म थी इंसिडेंटली, जिससे वो बहुत बड़े स्टार हुए। उन्होंने पूरा का पूरा अनिल कपूर को कॉपी किया, यहां तक कि अनिल कपूर के सेम बाल का हेयरस्टाइल भी कॉपी किया। जैकी श्रॉफ के रोल में वहां पे निक नोल्ट को लिया, एन एक्टर हु कांट एक्ट हिमसेल्फ, और यहां पे हमने लिया किम को, और वहां पे उन्होंने न जाने किसी एक्टर को ले लिया, बहुत WWF के जो रेसलर लगते हैं। तो अब सेम सब्जेक्ट सेम सीन, एक सीन है पिक्चर में हमारे अंदर बाहर में जहां पे अनिल कपूर जो कॉन्विक्ट होता है वो जैकी श्रॉफ का आइडेंटिटी कार्ड लेके अंदर से बार में जाता है, मेरे बोलने का मतलब बार, दारू पीने वाला बार में जाता है, ही एक्ट्स एज अ कॉप, सेम का सीन सीन कॉपी किया उन्होंने। देखिए यह बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ बातें कम होती है और खून ज्यादा होता है, और क्या है कि मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए अपना रिवॉल्वर मुझे दे दो। एक क्लास गरम दूध मलाई मार के। यहाँ विस्की मिलता है, रम मिलता है, ब्रांडी मिलता है, जिन मिलता है, शेरा का मिलता है। ये कौन सी शराब है? Never heard. पुलिस क्राइम ब्रांच CID. This is a police matter. ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। पुलिस में अपना रिकॉर्ड बहुत खराब है, और जो भी अपनी जुबान नहीं खोलता मैं उसके भेजे का ढक्कन खोल देता हूँ। Well, look, Hoss, you start running a respectable business, and I won't have to come in here and hassle you every night. You know what I mean? हॉलीवुड वालों सुधरते नहीं है हॉलीवुड वाले। अब ये सीन खत्म होता है, उसके बाद अनिल कपूर जैकी श्रॉफ बाहर आते हैं, दोनों में मुठभेड़ होती है, झगड़ा होता है, फिर पुलिस आके उनको रोकती है और दोनों बोलते हैं कि हम दोनों दोस्त हैं। अब ये पूरा का पूरा एक्शन सीन भी उन्होंने कॉपी किया। अब आप ये दोनों सीन देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षित सानी जो उन्होंने इतना अच्छा कमाल का रोल किया था, परीक्षित सानी ऑफ ब्रदर ब्रदर, ये जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो फेम, वो तो स्टार्टिंग में मर गए, लेकिन उनका मैं कभी ना कभी ढूंढ के आपको हैम सीन निकाल के जरूर बताऊंगा। प्रक्षित सानी ब्रदर सीन देखिए। तुमने अपनी बदमाशी के लिए मेरा आईडी कार्ड कैसे यूज किया? हाँ देखो, ये मारा पीटी करोगे ना तो मैं सीधा लॉकअप में जाके बैठ जाऊंगा। शट अप,
अगर आप पुलिस अफसर नहीं होते ना तो मैं भी ऐसे फटके मारता, ऐसे फटके मारता कि हर शॉट में जैसे क्रिकेट में बहुत सिक्सर को जाता ना वैसे जाते तुम। Let me explain one thing to you, nigger. I fight dirty. बंद करो ये गुंडागर्दी। All right, you two. What's going on here? Inspector साहब, हम भी वर्दी वाले हैं भाई। It's all right, I'm a cop. My gun and badge over there in the car. Sorry, sir. दोस्तों पंकज पराशर साहब अब हॉलीवुड की तरफ निकल ही गए हैं क्योंकि उनका तो अब लिमिट हो गया है, ओवर द क्रॉस बॉर्डर लिमिट क्रॉस हो गया है। हमेशा जब उन्होंने पिक्चर बनाई है हॉलीवुड वालों ने आके पूरी की पूरी उनकी पिक्चर 3-4 घंटे तक बैठ के देखी है और सीन्स बाय सीन्स उनका लिफ्टिंग किया है। उन्होंने जलवा बनाई थी और हॉलीवुड वालों ने बेवली हिल्स कॉप बना दी, उन्होंने राजकुमार बनाई और हॉलीवुड वालों ने जाने कितनी पिक्चरें बनाई, मैडमैक्स 3 बनाई और फिर रॉबिन हुड बनाई। तो अब पंकज पराशर साहब आपका मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता, मतलब हॉलीवुड वालों का क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता है। अब पंकज पराशर साहब ने राजकुमार फिल्म बनाई, राजकुमार फिल्म में एक बहुत अच्छा सीक्वेंस है जहां पे द टफ मैन अनिल कपूर इज फाइटिंग विद द पैंजी मैन गोरिल्ला पहलवान और कुछ फ्यूचरिस्टिक फाइट है क्योंकि दोनों पे बेल्ट्स लगे हुए और हवा में उड़ के जा रहे हैं और फाइट कर रहे हो, एक अरीना है। सेम का सेम सीक्वेंस टीना टर्नर जो प्लम्बर की बीवी है वो बैठ के मैडमैक्स 3 में देख रही है बिटवीन मेल गिब्सन एंड वन मोर सॉफ्टी गाय। अब आप देखिए कहाँ का इंसाफ है। हाँ एक बात है कि जब भी अनिल कपूर साहब सीटी बजाते हैं तो वो राक्षस जानवर इंसान गोरिल्ला पहलवान को कुछ हो जाता है। अब मैं आपको बोलता हूं अगर आपको ये सीन अच्छा नहीं लगे तो आप भी सीटी बजाइए, हम ऑटोमेटिकली सीन बंद कर देंगे। सी राजकुमार वर्सेस Mad Max 3 Beyond Thunder's Dome, Thunderdome. Really fail to understand ये हॉलीवुड वाले कितने सालों से हमारी नकल किए जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए इतनी बड़ी हिट फिल्म हो गई वहाँ पे जेम्स कैमरन साहब की टाइटैनिक और आप बोलेंगे अब टाइटैनिक कौन सी पिक्चर से कॉपी की गई है, मैं आपको बताता हूँ हमारी रूप की रानी चोरा का राजा से, सीन बाय सीन शॉट बाय शॉट। मैं तो बात कर रहा हूँ पूरा का पूरा डिजास्टर आइडिया वहीं से लिया गया। Thank you.
आपके बोलने का मतलब है आपको कोई सीन्स सिमिलर नहीं नजर आए? अरे दोस्तों, इंडस्ट्री वालों के दिल में झांक के दिल से पूछो, दर्द होता है दिल में। हर चीज सिमिलर थी। रूप की रानी, चोरों का राजा हमारी पहली डिजास्टर फिल्म थी, फिर टाइटैनिक आई थी। अब मैं आपको समझाता हूँ सिमिलर सीन्स कैसे थे। वहां पे टाइटैनिक में खाली शिप डूबी थी, यहाँ पे तो हमारी पूरी की पूरी रूप की रानी, चोरों का राजा, पूरी फिल्म डूब गई। टाइटैनिक भी मल्टी करोड़ फिल्म थी, यहाँ पे हमारी रूप की रानी चोरों का राजा भी इंडियाज फर्स्ट बिगेस्ट मल्टी करोड़ मोस्ट एक्सपेंसिव बोनांजा थी जो डूब गई। टाइटैनिक में तो सिर्फ 1500 लोग डूबे थे दोस्तों, लेकिन हमारी रूप की रानी चोरों का राजा के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स डूबे थे। तो अब आपको बात सिमिलर नजर नहीं आई?